इस साल 6 अक्टूबर को मानसून की विदाई हो रही है। 3 जून से शुरू हुई मानसूनी बारिश के सीजन में अब तक 4 ट्रेंड दिखे हैं। इनमें 3 ट्रेंड डराने वाले हैं जो अगले 2 सालों में मौसम की हालत और खराब होने का इशारा कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार 6 अक्टूबर को मानसून की विदाई होगी। इससे पहले 2019 में 9 अक्टूबर को मानसून की विदाई शुरू हुई थी जो इतिहास में सबसे ज्यादा देरी से थी। इस साल दूसरी बार सबसे ज्यादा देरी से हो रही है। स्काई मैच के माने तो उनके अनुसार मानसून की तारीख बार बार बदलने का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ता है। वो बुआई रोपाई की तारीख तय नहीं कर पाते। कब और कितनी बारिश होगी अब ये बता पाना भी कठिन हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के काजीपुर के किसानों का कहना है कि जुलाई की पहली बारिश में ही उनके यहां धान की रोपाई हो गई थी, लेकिन अगस्त में पानी बरसा। बाद में खुद खेत सींचकर उन्हें पुराने धान को उखाड़कर दोबारा रोपाई करनी पड़ी। और वहीं तालाबों में पिछले 10 साल के औसत से 12% कम पानी देखने को मिला है। इस बार मानसूनी सीजन में देश के कुल 128 तालाबों में से 28 तालाब ही पूरी तरह से भरे हैं। तालाब भरने का बीते 10 साल में औसत 104% है, लेकिन इस साल सिर्फ 92% तालाब ही भरे हुए हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो तालाबों में 92% पानी का आंकड़ा बहुत डराने वाला नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पंजाब के तालाबों में 40% तक कम पानी भरा है, जबकि पंजाब में सिंचाई का मुख्य जरिया तालाब ही है। वहीं मानसूनी बारिश के बदले ट्रेंड में सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वर्ष 2018-19 से लेकर जुलाई 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जलीय आपदाओं में 270 लोगों तक की जान जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश को हुआ है। फसलों को नुकसान में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। इन 3.5 सालों में 67.15 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। इसी अवधि में राज्य में बारिश, बाढ़, ओलों से 94,943 मकानों को भी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।